हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इग्नू के असाइनमेंट यानी सक्रिय कार्य कैसे बनाएं। जी हाँ, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे असाइनमेंट क्या होता है, क्यों ज़रूरी है बनाना, कब बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, कहाँ जमा करना होता है, और भी बहुत सारे सवाल जो आपके अक्सर कमेंट्स आते हैं और आप लोग हमसे पूछते रहते हैं। उसी कड़ी में हम इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करेंगे कि आपकी सभी जो क्वेरीज हैं, जो शंकाएँ हैं, उनका समाधान कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं वन बाई वन, क्या क्या आज हम बात करने वाले हैं आपसे, सत्री कार्य क्या होता है, ये किस तरह से विद्यार्थियों को मिलेगा, इसे बनाना क्यों ज़रूरी है, इसे किस तरह से बनाना चाहिए और बनाने के उपरांत इसे कहां पर जमा करना चाहिए, कब जमा करना चाहिए, क्या सावधानियां हैं जो बनाने के दौरान आपको बरतनी है, क्या आप इसे अध्ययन केंद्र पर जमा करने के उपरांत वापस भी ले सकते हैं, और इनकेस अगर आप सत्री कार्य में फेल हो गए तो क्या करना होगा, और अगर समय पर आप सत्री कार्य जमा नहीं कर पाए तो क्या करना होगा। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो इग्नू में बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने एकदम अभी रिसेंटली एडमिशन लिया है। तो कुछ इग्नू की शब्दावली के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेश एडमिशन, जी हाँ, फ्रेश एडमिशन मतलब जब आप न्यूली एडमिटेड होते हैं वो फ्रेश एडमिशन कहलाता है, ठीक है ना। जब फर्स्ट टाइम आप एडमिशन लेते हैं इग्नू में, इग्नू किसी प्रोग्राम में, दैट इज़ फ्रेश एडमिशन, ओके। इंडक्शन मीटिंग, इंडक्शन मीटिंग एक्चुअली में ये एक तरह से परिचय समारोह होता है जहाँ पे आपको बुलाया जाता है, आपका जो अध्ययन केंद्र होता है जहाँ पे आपकी क्लासेस होती हैं वहाँ पे आपको बुलाया जाता है, और वहाँ पे आपको इग्नू के सिस्टम के बारे में परिचित कराया जाता है, आपके प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है, असाइनमेंट कब जमा करना है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है, कब एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं, कब आपकी क्लासेस होंगी, इत्यादि सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। काउंसलिंग क्लास, जी हाँ, काउंसलिंग क्लास मतलब है इग्नू के संदर्भ में, एक्चुअली में इग्नू में क्या होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस एजुकेशन का माध्यम है, यहाँ पे रेगुलर कॉलेज की तरह फुल टाइम क्लासेस नहीं होती, यहाँ पे काउंसलिंग होती है, यानी आपको टॉपिक्स के बारे में डिटेल किया जाता है, और यहाँ पे एकेडमिक काउंसलर होते हैं जो पढ़ाते हैं। जब रेगुलर सिस्टम में आप जाते हैं तो वहाँ पे प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, इग्नू के संदर्भ में वो एकेडमिक काउंसलर कहलाते हैं, जो आपको टीच करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं कोर्स के बारे में आपके, ठीक है ना, आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर कराते हैं। असाइनमेंट, अब हम आज के वीडियो में असाइनमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। असाइनमेंट एक्चुअली में जो आपका कोर्स है, जो आपको किताबें मिलती हैं, तो उन बुक्स का कोड होता है ना, तो उस कोड कोर्स से संबंधित क्वेश्चनों का संग्रह होता है असाइनमेंट। यानी आपने जैसे सपोज बीए प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया, तो बीए प्रोग्राम में बहुत सारी किताबें आपको मिली होंगी, कोर्स कोड होते हैं, जैसे बीएसएचएफ है या ईएसओ 11 है, 12 है, ठीक है ना, तो ईएचआई 1 है। तो ये जो बुक्स हैं, इनसे संबंधित हर एक बुक्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो विश्वविद्यालय विद्यार्थी को उपलब्ध कराता है कि आप इनको घर पे अध्ययन सामग्री पढ़ के तैयार कीजिए इनके आंसर, और स्टडी सेंटर में जमा करिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको और डिटेल बताऊंगा असाइनमेंट के बारे में। एग्जामिनेशन, विश्वविद्यालय हर 6 महीने में एग्जाम कराता है, यहाँ पे जून और दिसंबर में एग्जाम होते हैं, और जो एडमिशन होते हैं वो भी 6 महीने में होते हैं, जनवरी में और जुलाई में, ठीक है ना। तो ये एग्जामिनेशन हर 6 महीने में होते हैं। इसके बाद री रजिस्ट्रेशन एक्चुअली में उन लोगों के लिए होता है जिनके प्रोग्राम का ड्यूरेशन 1 साल से अधिक है, यानी आपके प्रोग्राम के नेक्स्ट ईयर में प्रवेश के लिए आपको री रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रिजल्ट, विश्वविद्यालय का ये मैंडेट है कि 45 डेज में आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा, वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिन विद्यार्थियों का एग्जाम दिसंबर में होता है, चूँकि एग्जाम दिसंबर महीने में 24-25 तारीख तक चलता है, और ये जो रिज़ल्ट है आपको फरवरी के सेकंड वीक में हर हाल में आ जाता है। इसी तरह से जो विद्यार्थी जून में परीक्षाएं देते हैं उनका रिजल्ट भी अगस्त माह के सेकंड वीक में आ ही जाता है। मार्कशीट, ये आपके घर के पते पे नई दिल्ली, जो इग्नू का हमारा मुख्यालय है नई दिल्ली मैदानगढ़ी में, वहाँ से भेजी जाती है। डिग्री, जी हाँ, कन्वोकेशन होता है विश्वविद्यालय का, प्रत्येक वर्ष दीक्षांत समारोह होता है, और वहाँ जो विद्यार्थी अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं उनको डिग्री के लिए इनवाइट किया जाता है, लेटर आपके पास आता है, डिग्री की फीस होती है वो भी देना होता है।
तो ये कुछ शब्दावलियाँ थी इग्नू के संदर्भ में जो मैंने आपसे शेयर किया। अब हम आज का जो मुख्य टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं असाइनमेंट के बारे में। तो असाइनमेंट सभी प्रोग्रामों में बनाना होता है, ठीक है ना। यानी असाइनमेंट कंपलसरी कंपोनेंट है जो सभी प्रोग्रामों में आपको बनाना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये आपके कोर्स से संबंधित प्रश्नों का संग्रह होता है। और इन तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर का ऊपर का कवर पेज होता है जिसमें आपके प्रोग्राम का नाम लिखा होगा, ये असाइनमेंट कब के लिए है वो लिखा होगा। और इसके बाद जो सेकंड पेज होता है इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं किस तरह से आपको कवर पेज बनाना है, क्या क्या चीज़ें लिखना है, जो मैंने ऑलरेडी बताया। और उसके बाद ये क्वेश्चंस होता है और इसमें क्वेश्चंस दिए होते हैं कितने मार्क्स के हैं, ये पूरी डिटेल दी हुई होती है। प्रश्नों का जवाब आपको तैयार करके अपने स्टडी सेंटर या अध्ययन केंद्र पर निर्धारित समय में जमा करना होता है। निर्धारित समय से क्या तात्पर्य है, असाइनमेंट सीट पे जो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर सीट होती है उसमें डेट लिखी होती है कि कब आपको अपने अध्ययन केंद्र पे जमा करना है। अब जो लोग अभी जून 2018 एग्जाम में अपीयर होना चाह रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे स्पेशली बताना चाहूँगा कि असाइनमेंट वैसे तो 30 मार्च तक जमा करने थे, लेकिन विश्वविद्यालय ने डेट बढ़ा दी है, एक महीने और बढ़ा दी है। अब आप 30 अप्रैल तक असाइनमेंट जमा कर पाएंगे। और जब आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे, एग्जाम फॉर्म मार्च महीने से भरने चालू हो जाते हैं, 30 अप्रैल तक बिना लेट फीस के भरे जाते हैं, तो आप एग्जाम फॉर्म भरने के दौरान ही असाइनमेंट भी अपने अध्ययन केंद्रों पर जमा कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आपका एग्जाम का यानी कि थ्योरी का रिजल्ट निकलेगा उसी दौरान आपके असाइनमेंट अगर जमा हैं तो उनके नंबर भी आपके ग्रेड कार्ड या मार्कशीट पर अंकित हो जाएंगे। इसलिए अच्छा होगा कि आप असाइनमेंट जमा करके ही एग्ज़ाम में बैठें। चलिए, कैसे मिलेगा असाइनमेंट? तो देखिए, ऐसा है, असाइनमेंट जो आपको अध्ययन सामग्री विश्वविद्यालय भेजता है उसके साथ भी भेजता है, और कई बार असाइनमेंट नहीं भी आता। ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल परेशान ना हो, इग्नू की वेबसाइट पे असाइनमेंट किस तरह से डाउनलोड किए जाते हैं इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। इग्नू की वेबसाइट पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिए किस तरह से असाइनमेंट डाउनलोड करते हैं, हमने ऑलरेडी बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट बनाना क्यों आवश्यक है? देखिए, जो खास बात है वो ये है कि जो इग्नू का इवेल्युएशन का सिस्टम है, तो जब प्रत्येक कोर्स में दो पार्ट होते हैं, एक थ्योरी का होता है, एक असाइनमेंट का होता है। तो थ्योरी के 70 मार्क्स होते हैं और असाइनमेंट के 30 मार्क्स होते हैं, इस तरह से 100 मार्क्स हो गया। कुछ कोर्सों में प्रैक्टिकल का भी कंपोनेंट होता है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। तो दोनों ही एक्टिविटी आपको करना है। अगर आप असाइनमेंट नहीं बनाते तो आपके 30% मार्क्स भी गए और आपका प्रोग्राम भी कंप्लीट नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप थ्योरी में अपीयर नहीं होते, केवल असाइनमेंट बना के आप फुर्सत हो गए, तो भी आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही एक्टिविटी आपको करना है। अगर आप असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स लाते हैं, चूँकि 30% वेटेज आपको असाइनमेंट का मिल रहा है, सपोज 100 मार्क्स का आपका असाइनमेंट है, तो उसका जो मार्कशीट पर जो नंबर मिलेंगे उसका जो ओवरऑल वेटेज होगा 30% आपको दिया जाएगा। इसी तरह से थ्योरी में 70% आपको वेटेज मिलेगा, ठीक है ना। 100 जब ये मार्कशीट आपकी बनती है तो वो 100 में बनती है, और 100 में आपका जो असाइनमेंट का मार्क्स होगा 100 में रहेगा, थ्योरी का भी 100 में रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ओवरऑल वेटेज 30% और 70% का होगा। तो ये वजह है, इस वजह से आपको असाइनमेंट बनाना पड़ता है। अब किस तरह से बनाना चाहिए? तो देखिए, असाइनमेंट बनाने के लिए आप कोई भी A4 साइज की वाइट शीट भी यूज कर सकते हैं, रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि इसमें दाएं बाएं दोनों तरफ आपको 3 से 4 इंच का मार्जिन छोड़ के उत्तर लिखना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इवेल्युएटर होते हैं वो अपना कमेंट लिखते हैं, आपके असाइनमेंट में क्या कमियाँ हैं, क्या इसमें और सुधार की जरूरत है उसके बारे में, क्या आपके असाइनमेंट में कमियाँ हैं उसके बारे में कमेंट लिखे जाते हैं। तो आप इसलिए 3 से 4 इंच का मार्जिन छोड़ के लिखें। और चूँकि ये असाइनमेंट जब आप अध्ययन केंद्र पर जमा करते हैं तो ये इवेल्युएट होते हैं, तो एक आपको कवर पेज बनाना होगा। कवर पेज कैसा होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो अगर, तो देखिए यहाँ फर्स्ट पेज है ये असाइनमेंट का। इसमें फर्स्ट पेज में आपका स्टडी सेंटर का जो कोड होता है वो लिखना होता है, जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है उस प्रोग्राम का नाम या कोड लिखना होता है। इसके बाद आपका 9 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपके नंबर चढ़ेंगे नहीं, ठीक है ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे एनरोलमेंट की जगह मोबाइल नंबर लिख के आ जाते हैं, फिर वो नंबर नहीं चढ़ते, फिर शिकायत करते हैं कि भाई हमने तो असाइनमेंट भी जमा कर दिए थे, इग्नू हमारे नंबर नहीं चढ़ाता। तो ऐसा नहीं है,
आपके इनरोलमेंट नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। आई कार्ड पे आपके इनरोलमेंट नंबर होता है, कंफर्मेशन लेटर जो आपको मिलता है उसमें भी आपका इनरोलमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, आपके पाठ्यक्रम का कोड। पाठ्यक्रम का कोड से क्या मतलब है, देखिए जैसे मैंने बताया कि बीए तो प्रोग्राम हो गया, अब बीए के अंदर आप सपोज EHI 1 आपने ले रखा है तो वो कोर्स कोड हो गया, पाठ्यक्रम कोड हो गया, वो आपको यहाँ लिखना होगा। फिर शीर्षक क्या होता है, EHI 1 का एक टाइटल होगा, EHI 1 तो कोड है, उसका एक टाइटल होगा इतिहास के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए एक बार हम पूरा रिव्यू कर लेते हैं कि असाइनमेंट किस तरह से बनाना है, कौन से पेपर्स यूज करने हैं, ऊपर क्या लिखना है, जिससे आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि असाइनमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी है और इसमें आप किसी भी तरह से लापरवाही ना बरतें। तो चलिए फिर से एक बार पूरी बात समझने का प्रयास करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि असाइनमेंट बनाने के लिए आप क्या यूज करेंगे। आप रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं, 4 साइज की वाइट शीट को भी यूज कर सकते हैं। बस आपको ध्यान का रखना है कि दाएं और बाएं दोनों तरफ ही आपको 3 से 4 इंच का मार्जिन रखना है, क्योंकि उस स्पेस में इवेल्युएटर कमेंट्स लिखते हैं आपके असाइनमेंट के बारे में। अगर कोई कमियां हैं वो भी बताएंगे, आपने अच्छा लिख रखा है तो उसके बारे में आपको पॉजिटिव कमेंट मिलेंगे। और जो आपका कवर पेज होगा उसमें क्या क्या चीज़ें होने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। एक मैं आपको सिंपल दे रहा हूँ, इस तरह से आप बना सकते हैं कवर पेज। इसमें आप सबसे ऊपर अध्ययन केंद्र यानी स्टडी सेंटर का आप यहाँ पे कोड लिख लें, और चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं, कार्यक्रम किस प्रोग्राम में आपने एडमिशन ले रखा है, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमएएच, एमएजी, जो भी प्रोग्राम है उसका आप यहाँ पे नाम लिखें। और 9 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर वो आपके पास होगा, आपके आई कार्ड पे भी लिखा होगा, कन्फर्मेशन लेटर जब आपको मिला होगा उसमें भी अंकित होगा। और अक्सर यहाँ पे लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि कई बार मोबाइल नंबर लिख के आ जाते हैं, ये आप ध्यान रखें, इनरोलमेंट नंबर बिल्कुल सही ढंग से लिखा होना चाहिए। अगर इसमें कहीं कोई कमी है तो फिर वो नंबर आपके मार्कशीट पे नहीं चढ़ेंगे और फिर बार बार आपको चक्कर लगाना पड़ता है स्टडी सेंटर के, रीजनल सेंटर के, नई दिल्ली, इन सब परेशानियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है जब भी आप असाइनमेंट बनाते हैं तो इनरोलमेंट नंबर एक बार आप मिला लें, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नाम, मोबाइल नंबर और इसके बाद पाठ्यक्रम कोड। पाठ्यक्रम कोड क्या है, देखिए जैसे मैंने बताया कि प्रोग्राम बीए हो गया तो बीए के अंदर आप कोई किताब पढ़ेंगे, जैसे बीएसएचएफ है या एफएसटी है, तो उसका एक ये जो कोड है, एफएसटी भी कोड हुआ, बीएसएचएफ भी कोड हुआ, EHI 1 है या ESO 13 है, जो भी है ये कोड हुए। और इसके बाद टाइटल मतलब इनका क्या शीर्षक है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें FEG 1 की बात करें, फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश, तो इस टाइप से उस बुक में उसका टाइटल लिखा होता है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद सेशन, देखिए सेशन आपके असाइनमेंट पे अंकित होता है, जनवरी सेशन के लिए आप बना रहे हैं, जुलाई सेशन के लिए बना रहे हैं, और फिर फाइनली लास्ट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक सैम्पल है कवर पेज, इस तरह से आप बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप यही बनाओ, मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपके फ्रंट पेज पर होनी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन उसमें आपको अंकित करना है। तरीका आपका कुछ और भी हो सकता है और आपका क्रम कुछ और हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये आनी चाहिए फाइनली, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, किस तरह से आपको असाइनमेंट तैयार करना है। तो देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इग्नू में कंप्यूटर से टाइप किए हुए असाइनमेंट माने नहीं है, अगर आपने ऐसा किया तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, आप किसी का असाइनमेंट लेके उसको बिल्कुल कॉपी ना करें। अगर ऐसा पकड़ में आता है कि आपने किसी के असाइनमेंट का एज इट इज़ टिप दिया है तो उस स्थिति में आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और देखिए इसमें मेरी तो पर्सनल आपको ये सलाह है कि आप पूरी ईमानदारी से असाइनमेंट तैयार कीजिए, उसमें बहुत सारे फायदे हैं। क्या फ़ायदा है, एक तो आपका रिवीजन होगा, आप किताबें पढ़ेंगे, जब उत्तर लिखने के लिए आप किताबों का अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा यार ये तो हमने पढ़ा था, जब असाइनमेंट हम बना रहे थे उस समय ये चीज़ें तो मैंने देखी हैं। और एग्ज़ाम में तो ऐसा होता है कि अक्सर वो क्वेश्चन आते हैं जो असाइनमेंट में आपसे पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा है अगर आप अच्छे से असाइनमेंट तैयार करते हैं तो आपका प्रिपरेशन हो गया, थ्योरी की आपकी तैयारी हो गई, तो इसलिए इसको आपको ईमानदारी से बनाना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें बनाने में आपको क्या दिक्कत हो सकती है, कई बार ये दिक्कत हो सकती है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप अपने अध्ययन केंद्र पर संपर्क करें, वहाँ पर जो एकेडमिक काउंसलर होते हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और इसके बाद आप जो उत्तर लिखते हैं वो आपको किताब से टीपना नहीं है, एज इट इज़ उतारना नहीं है, आपको अपने शब्दों में लिखना है, उसी से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जो इवेल्युएटर होंगे आपको अच्छे मार्क्स सभी देंगे जब आप उत्तरों को अपने शब्दों में लिखेंगे, अपनी समझ के हिसाब से लिखेंगे। बुक से तो कोई भी एज इट इज़ लिख देगा तो वो तो समझ में आ ही जाएगा कि आपने चीटिंग कर लिया है,
तो बेहतर होगा, अच्छे नंबर अगर आपको लाने हैं तो आप अपनी भाषा में, अपने शब्दों में प्रश्नों के जवाब लिखें। कहाँ पर जमा करना है, कब जमा करना है, तो जो सत्री कार्य होते हैं आपको अपने अध्ययन केंद्र पर जमा करना होता है। सत्री कार्य में प्रत्येक सत्री कार्य के क्वेश्चन पर, यानी कि असाइनमेंट के क्वेश्चन शीट पर डेट भी लिखी होती है कब तक जमा करना है। और मैंने पहले ही बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो लोग जून 2018 के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उनको 30 अप्रैल तक असाइनमेंट जमा करना है। दो चीज़ें और ध्यान रखिए, जब आप असाइनमेंट जमा करते हैं तो असाइनमेंट की एक से पूरी फोटोकॉपी अपने पास करा के आप रख लें। आप उन असाइनमेंट को रिवाइज करके एग्जाम में बैठें। और दूसरा, जब आप जमा करते हैं तो उसकी एक पावती या रिसीप्ट जरूर ले लें। कई बार मिस हो जाता है असाइनमेंट, तो उस स्थिति में अगर आपके पास रिसीप्ट है तो आप बोल तो सकते हो कि हाँ देखिए मैंने ये जमा किया था, ठीक है ना। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, कब जमा करना चाहिए मैंने आपको पहले बता दिया, असाइनमेंट की सीट पर अंकित होता है, ठीक है। और जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं, एक मैं जनरल आइडिया आपको दे रहा हूँ, जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं उसी दौरान असाइनमेंट भी तैयार करके आपको अध्ययन केंद्र पर जमा कर देना चाहिए, ठीक है। शेड्यूल है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं, इस पे वही चीज़ है, एग्जाम फॉर्म जब आप भरते हैं उसी दौरान आपको जमा करना होता है। और सभी प्रोग्राम के लिए अलग अलग है, जैसे कि जो प्रोग्राम एक साल या एक साल से अधिक अवधि के हैं, अगर विद्यार्थी ने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है तो डेफिनेटली उसका एग्जाम दिसंबर में होगा और सितंबर में उसे जमा कर देना चाहिए। यदि विद्यार्थी ने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है तो जून में उसको एग्जाम देना होगा, तो मार्च में जमा कर देना चाहिए, यानी कि एग्जाम के 3 महीने पहले जमा करना होता है। पीजी सर्टिफिकेट या 6 महीने के जो प्रोग्राम हैं उन्हें एडमिशन के 3रे महीने में जमा कर देना चाहिए। जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है तो मार्च में जमा कर दीजिए, क्योंकि जून में आपको एग्जाम देना है। जिससे अगर आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है तो सितंबर में जमा कर दीजिए, क्योंकि आपको दिसंबर में एग्जाम देना है। तो ये शेड्यूल आपके प्रोग्राम गाइड में भी लिखा होता है और इग्नू की साइट पर भी आता है, ठीक है ना। सर्टिफिकेट प्रोग्राम ये मैंने आपको बता दिया 6 महीने के प्रोग्रामों के लिए कैसे करना है। तो अब क्या सावधानी बनाना आपको बरतना है, इस पर ऑलरेडी हमने बता ही दिया है, ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि आप स्वच्छ राइटिंग में लिखिए, कॉपी मत करिए, ईमानदारी से पढ़ के लिखिए। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर आपने असाइनमेंट जमा कर दिया तो क्या आप उसे वापस ले सकते हैं। बिल्कुल आप वापस ले सकते हैं, इवैल्यूएशन के उपरांत वो असाइनमेंट आपके हैं, आप उनको लेके उनका अध्ययन करिए। आप अपने मित्रों को भी दे सकते हैं आइडिया के लिए कि इस तरह से आप लोग बनाएं। और उसमें एक और भी फायदा है, जब आप असाइनमेंट वापस लेते हैं तो आपको जब इवैल्यूएटेड असाइनमेंट होते हैं उसमें कमेंट्स लिखे होते हैं कि आपने यहाँ पर क्या कमी की है, इसका सही उत्तर ये होना चाहिए, या आप इसको इस तरह से लिखते तो ज़्यादा मार्क्स मिलते। तो बिल्कुल जिस तरह से आप थ्योरी की जो कॉपी है, उस थ्योरी एग्जाम की जो आंसर स्क्रिप्ट है उसकी फोटो कॉपी प्राप्त कर सकते हैं निर्धारित शुल्क देकर, उसी तरह असाइनमेंट निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं अपने अध्ययन केंद्र में जाकर के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और चलिए अब आगे बात करते हैं कि अगर आप किसी कारण से परीक्षा में फेल हो गए, असाइनमेंट में फेल हो गए, तो उस स्थिति में क्या करना है। अगर परीक्षा में फेल हो गए तो उसके लिए भी वीडियो उपलब्ध है, आप चैनल में प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इनकेस असाइनमेंट में फेल हो गए तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, आप करंट सत्र का नया असाइनमेंट बना के दोबारा अध्ययन केंद्र पर जमा कर दें। कई बार हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ है, अगर टाइमली आप जमा नहीं कर पाए तो उस केस में क्या करें। कोई बात नहीं, अगर आप टाइमली जमा नहीं कर पाए, सपोज मान लीजिए मार्च अप्रैल में आपको जमा करना था, किसी कारण से आप व्यस्त हो गए, असाइनमेंट नहीं जमा कर पाए, तो जो नेक्स्ट टाइम शेड्यूल है यानी कि मार्च अप्रैल के बाद फिर जमा होते हैं हमारे असाइनमेंट सितंबर अक्टूबर में, तो आप सितंबर अक्टूबर में जमा कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, आप नेक्स्ट वाले सेशन में जमा कर दीजिए, करंट असाइनमेंट जमा करना होता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए। और आपको कहीं किसी तरह की असुविधा है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हमें पता होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जो विद्यार्थी अभी जून 2018 में एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए एक बार फिर से बता दूं कि असाइनमेंट 30 अप्रैल तक आपको जमा करना है। इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे रहा हूं किस तरह से आप डाउनलोड करेंगे, तो आप उसको समय से अपने अध्ययन केंद्र पर जमा कर दें। चलिए तो एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।